स्टेज में। एंड जाकिर नायक, जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना हूँ बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट कंप्लीटली अग्री ऑन हिम ऑन सम पार्ट्स, बट यस ही इज ऑलमोस्ट ही इज लाइक व्हाट हिम, बिकॉज़ मैंने वेरीफाई में भी किया हूं मैंने। दूसरा तरीका है डे भी, जी नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से नमाज का तरीका बताओ। मींस मसलक बोल रहे हैं आप या अनलाइक व्हाट काइंड ऑफ मसलक बताना है बताओ नहीं, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं मैं मसलक में नहीं मानता, एज इन आई एम मुझे पता था इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आई डोंट, नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया, नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा कि आप मसलक में आने पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई प्लीज, टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेम्बर अल्लाह एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ और ये नमाज का तरीका करता है। और उनको सजदा करता हूँ मैं, वजू करना है, कैसे नियत करना है। नियत क्या करते हो? नियत करता हूँ मैं लाइक वट एवर रकात फॉर द पर्टिकुलर नमाज एंड मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ एंड देन अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? हाथ बांधते हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ मैं, कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू बिकॉज यू नो देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर दिस। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड एंड योर रिलीजन इज टोटली कंफ्यूज्ड व्हिच डज नॉट गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। Sometimes you think you have to tie your hands, कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए, then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते। So you are trying to follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done theology. Is this a clear religion where you? एक मिनट, ताहा, is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And meko bas ye jo haath baandhne ka hai, because sunni because there are so many divided people even in Islam. Taha, tumne kaha ki tumhara 100% yakin Quran mein hai. Quran mein se mujhe namaz ka tarika batao. Jo prayer hai that शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं दो रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ। और उसके बाद कभी हाथ बांधना है कभी हाथ छोड़ना है ये कुरान में बताओ। फिर उसके बाद सना पढ़ना है ये कुरान में बताओ। ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको वजू मिल जाएगा। सवाल नहीं किया मैंने, कहां से लेते हो बाकी तरीका? So that is why I have said 50% hadith. My iman is 50%. Why 50% hadith? क्योंकि एक मिनट, एक मिनट. ताहा, एक मिनट. Because you have to follow hadith also. अगर हदीस को फॉलो करना है तो 50% क्यों कर रहे हो? Because कुछ हदीस सही है कुछ गलत है. कैसे मालूम पड़ता तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? Because अगर कोई हदीत अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीत के साथ तो कोई ना कोई हदीत गलत है, और कुरान के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो भी गलत है। Is this the only thing के कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? There are many many parameters for the hadith science जहाँ पे कर सकते हैं। डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है। हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट रिसर्च ऑल द हदीस रिगार्डिंग अभी जैसे आप एक मिनट, आप ने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कहता है कि नाफ के नीचे कोई कहता है ऊपर,
तो ये तो कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप, अगर आप कॉन्ट्रेडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो। एक हदीस में रफाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल दन करते थे, कॉन्ट्रेडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप, कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो। सी इन कुरान वी फाइंड इंडिकेशंस दैट देयर इज प्रोस्ट्रेशन टुवर्ड्स एंड प्रोस्ट्रेशन से सिर्फ नमाज नहीं होती ना, तुम सिर्फ प्रोस्ट्रेशन करते हो क्या, तुम तो सना पढ़ रहे हो, तुम बाउ भी है, बाउ डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रहके भी पढ़, यू नो लाइक दुआ करते हो, नमाज है, तो सिर्फ खड़े रहते हो तुम, हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वात नहीं बांधते हो, और क्या कुरान में बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, जबकि तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए, अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रेडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता, पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रेडिक्शन से भरा पड़ा है, हाथ किधर बांधना है, बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रेडिक्शन से भरा पड़ा है, फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? सी कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्रेडिक्शन बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड। हां उसका डीपर वे में अगर हमको जाना है देन वी हैव टू फॉलो हदीस। नाउ रिगार्डिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक मिनट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस, ये किसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है अभी? सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जांपल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिल जाते हैं। मैंने आपको एक हदीस बताया जिसमें बताया गया कहा चालाक ही नहीं, मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे, सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है, इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में, यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा दूसरा आप देखो इसको, मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट कर सकती है, तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा, ये देखो ये आपको हदीस बताता हूं मैं, हजरत आयशा उनकी बीवी वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है, ये देखो सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है, आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी, मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है, फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को, इस पे अल्लाह सुभानहु ताला ने आसमान से आयत उतार दी क्या, फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की तर्जुमा के मिन तशा मिन हुन, ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है, आई फील दैट योर लॉर्ड हेजेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है, ये इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन,
कहाँ है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गल्ती से, अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा। पढ़ लिया भाई? नहीं भाई जान नहीं पढ़ा वो कुछ, एक मिनट भाई जान, जूम करके देख रहा हूँ, एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, एक मिनट। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई, इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो। जी भाई जानिए मैं पढ़ा हूँ, मैं 3351 अभी मैं एक बार कुरान खोल के पे पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? हजरत भाई जान, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे, बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको तुम्हारी औरतों को, औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा है हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की, पहले 50 देख लेते क्या कहती है। ए नबी, इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे ऐसे शख्स को, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौरे माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां, और तुम्हारे मामुओं की बेटियां, और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे मेहर लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है, तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है, लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे। लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो, अल बलद का? 33 की 50, अल बलद नहीं है, 33 की 50, 33 50। ओके हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है वो भी ले लो, और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है के आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंग फिशर दूंगा, तुझे
तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रांग चाहिए स्ट्रांग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल चाहिए माइल दूंगा, तुझे लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा, लिखो क्या क्या है यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूं। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा, 100 पाइपर्स चाहिए 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा सिंगल माल्ट डबल माल्ट, विस्की दूंगा, ग्लेनफिच ग्लेनफिच मां की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुना, शिवास रिगल, ब्लैक लेबल ब्लू लेबल, जैक डेनियल, टीचर्स, सब दूंगा, तेरे गले को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। सोचो कोई बेवड़े का चाहने वाला हो और वो उसको इस तरीके से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे टकीला चाहिए टकीला दूंगा, ओक्सफिद डैडी डेनियल्स, तो उसी तरीके से आप देखिए देसी ठर्रा दूंगा। तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे, फूफी की लड़की मामा की लड़की काका की लड़की सास की लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना मतलब जल्दी करता है। 33 फिर 51 आ गई, 51 क्या कहती है देखते, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआजका नहीं है, इस तरह ज्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। ये 51 है। तो भाई मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी। और रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये बिल्कुल साबित होता है हदीस की रूह से और इसकी रूह से। बात यह है कि ये ताहा जैसे लोग आके चालाकी करने की जो कोशिश करते हैं कि भाई हम ये हदीस को नहीं मानते अपनी मर्जी से, मैं ये हदीस को नहीं मानूंगा मैं वो, अरे भाई कुछ क्राइटेरिया बताओ, और तुम होते कौन हो ये सेट करने वाले कि मैं इस हदीस को नहीं मानूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने टैगिंग किस बुनियाद पे की, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक हदीस को सही या गलत, ये ज़ईफ हसन और कितनी सारी कैटेगरीज है उसमें, पूरा स्टडीज करने के बाद उन्होंने ग्रेडिंग की है, ये सही ली जाती है ये सही ली गहरी है, ये हसन ली जाती ही है ये हसन ली गहरी ही है, मरफू है मौकफ है मुनकता है, ये सब वो लोग करके गए। और ये ताहा जैसे लोग जिनको शर्म आती है इन सब हदीसों को देख के सुन के, ये आके बोल दे कि हम नहीं मानेंगे, क्यों इतने बड़े हिपोक्रेट क्यों है, छोड़ दो ना ऐसे गंदे रिलीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं।